तो यार दिस स्केटबोर्ड इज गोइंग फॉर अ मेकओवर, सो मेकओवर स्टार्ट नाउ। अच्छा तो यार अभी मामलात ऐसे हैं कि हमने कोचे को देना है ये स्केटबोर्ड विलन, ये विलन और इस पर वो कर लेगी कस्टमाइजिंग। तो आज की राइड ये जा रही है, आज की अगली राइड अच्छी वाली आनी चाहिए, तो अगली राइड तक आपको ना लेके चलते हैं बगैर कुछ डिले किए टाइम। तो यार अभी तक आप सब सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग है किस बारे में, तो मैं बताता हूँ, मैं नहीं बताना है ना, और किसी और ने तो आके बताना नहीं, तो मैं बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैंने लिया था पेनी बोर्ड, जिसमें मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ पेनी बोर्डिंग इन यूटी टेक्सला। तो उस पेनी बोर्ड को कस्टमाइज करवाना था, मतलब मुझे उस पर कोई डिज़ाइन या स्टिकर वगैरह कुछ ऐसा वैसा बनवाना था। तो इस स्टिकर और डिज़ाइन को बनाने के लिए राजे या खोचे से बेहतर कौन हो सकता था? तो राजे से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई, खोचे ने मुझे कहा कि यार शामिर मैं बना के दूंगी ना तुम्हें। उसको पता नहीं कैसे शौक चढ़ा था और वो शौक मुझे तो था ही, तो कस्टमाइजेशन तो बनती थी। अब ऐसा है ना कि मेरी राइट चली गई है खोचे के पास और मैं राइडलेस हो गया हूँ तकरीबन 3-4 दिनों के लिए, तो कम अज़ कम। तो उन 3-4 दिनों के लिए मैंने अपने लिए एक राइड ऑर्डर कर दी है और वो राइड अभी कुछ देर में आने वाली है। एक्चुअली 2 राइड ऑर्डर किए हैं, मगर जो सी कुछ देर में आने वाली है, अगर मैं भी कहीं बाहर निकला तो आपको वो दिखा दूंगा, अगर ना निकला तो आपको कल यानी कि नेक्स्ट डे की जो राइड है वो दिखाऊंगा। और लेकिन वो ये सब राइड्स पेनी बोर्ड के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो अभी चलते हैं अगली राइड की तरफ, बाकी बातें राइड पे बैठ के आपसे करते हैं। तो अब आपको सीन समझ आ गया, सारी सीन समझ आ गया है ना। तो ऐसे है कि मामलात हैवी हैं, सीन गर्म है, करने का टाइम नहीं है। और यार अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि 21 तारीख को मैं जा रहा हूँ ट्रेल 6 पे हाइकिंग पे 21 दिसंबर बिहाइंड फैसल मॉस्क। तो अगर आप लोगों ने आना हो तो सुबह 9 बजे वहाँ आ जाइएगा, देर विल बी अ शॉर्ट मीट एंड ग्रीट, लाइक मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो मेरे साथ जो दोस्त जाएंगे मैं उनको एज अ फेक फैन पोज कर दूंगा कैमरे में, मगर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा।